हेलो स्टूडेंट, आज हम 3D ड्राइंग करेंगे। उसके लिए हम कोई भी एक फिगर बनाते हैं। मैं यहाँ पे एक डॉल्फिन बना रहा हूँ। बस हम इतना बनाएंगे, इसके बाद थोड़ा क्रैक जैसा कुछ एक वॉल बनाते हैं। यहाँ थोड़ा सा हम पानी बना देंगे। यहाँ हम कुछ नहीं डालते, थोड़ा सा 3D इफेक्ट के लिए। ओके स्टूडेंट, ओके अब हम इसमें कलर करते हैं। इसमें हम ऊपर वाले पार्ट के लिए ग्रे मेरे पास ऑलरेडी है, आई थिंक मैं ब्लैक यूज़ कर रहा हूँ। सिर्फ इस लाइन पे ब्लैक बीच में। और बाकी पार्ट को मैं ग्रे करता हूँ। और हम इसके नीचे वाले पार्ट को वाइट करेंगे। Yeah.
ओके स्टूडेंट, अब हम इसके जो बैकग्राउंड वाला पार्ट है हम इसको डार्क ब्लू हम ये दो टोन में रखेंगे, थोड़ा सा लाइट ब्लू, थोड़ा सा डार्क ब्लू, हम ऐसे करके इसका पूरा बैकग्राउंड फिल करेंगे। ओके, हम ऐसे ही करेंगे। ऐसे हम नीचे करते हैं। ओके स्टूडेंट, इसके बाद हम थोड़ा सा वाटर फ्लो कर देंगे इसमें से। और हम इसे वाइट से थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। ओके स्टूडेंट, हम थोड़ा सा रेड कलर यूज़ करेंगे, रेड प्लस ब्लैक इस पार्ट के लिए। ऐसे ही हम थोड़ा सा इसमें भी यूज़ कर लेंगे। रेड हल्का सा ब्लैक और वाइट से मिक्स करते हैं। हमें यहाँ ब्रिक्स बनाना है और मैं अब लेता हूँ ब्राउन। ब्राउन से हम इसमें लाइंस बना देंगे। ऐसे ही अब थोड़ा सा ग्रे से मैं इसमें साइड्स में थोड़ा थोड़ा लाइन डाल रहा हूँ। और हम इस ब्लैक से इसके क्रैक्स बनाएंगे। ओके, अब हम इससे क्रैक्स बनाते हैं, ये लाइट डार्क कहीं भी।
ओके, मैं थोड़े से यहाँ भी बना देता हूँ। इतना होने के बाद अब हमें एक ग्रे से ही एक ब्रिक्स की लाइंस लेनी है, कहीं भी कुछ भी टूटा हुआ, जैसे वॉल टूटा हुआ है, हम वैसे ही इसमें थोड़ी सी शेड कर देंगे। एक दो जगह बना देते हैं छोटे बड़े। और हम इसके नीचे हल्का हल्का सा ब्लैक से और इसके ऊपर हम वाइट चला देंगे। सिर्फ ये नीचे शेड वाले पार्ट पे हम वाइट चलाएंगे। हम ब्लैक से इसको हल्का सा हाईलाइट कर लेंगे, सिर्फ इस वाले पार्ट को कहीं कहीं। ओके, अब हम इसकी प्रॉपर आउटलाइन कर देते हैं। स्टूडेंट हमें ऐसे कुछ 3D बनाना है।